किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन आज भारत के सबसे तेज गेंदबाज के रूप में अपनी पहचान बना चुके उमरान मलिक के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। जम्मू कश्मीर की माटी से निकले इस लाल की बात आज हर जगह हो रही है। कैसे एक टेनिस बॉल से क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाला लड़का आज आईपीएल में चमक रहा है और स्टार खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं उमरान मलिक के करियर से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने किस्से जो किसी फेरी टेल से कम नहीं लगती। उमरान मलिक आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन घर से ग्राउंड तक का सफर उमरान का बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। 22 नवंबर 1999 को उमरान का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता अब्दुल मलिक पेशे से एक सब्जी और फल विक्रेता थे। उमरान की दो बहनें भी हैं और पूरा परिवार श्रीनगर में ही अपना गुजर बसर करता है। शुरुआत से ही घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं रहा करते थे, जिसके कारण उमरान को 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। तब उनके लिए ये फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं रहा था, पर नियति को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। उमरान को क्रिकेट बचपन से ही पसंद था, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान देने और घर की आर्थिक मजबूरियों के कारण उन्होंने कभी प्रोफेशनल क्रिकेट पर ध्यान नहीं दिया और श्रीनगर की गलियों में ही टेनिस बॉल से अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। कई लोकल टूर्नामेंट में खेलने के लिए उन्हें 500 से 1000 रुपए भी मिल जाया करते थे और टेनिस बॉल से भी उनकी स्पीड बल्लेबाजों को काफी तंग करती थी। उमरान शुरुआत से ही पेस बॉलिंग कराना काफी पसंद करते थे, लेकिन 17 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ने के बाद उमरान ने अपनी लाइफ में यू टर्न लिया और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने की ठान ली। जम्मू कश्मीर खेल परिषद में खेलना शुरू कर दिया और यहीं से उमरान का क्रिकेट जीवन शुरू हुआ। उनके अंदर शुरुआत से ही एक अच्छे क्रिकेटर बनने की प्रतिभा मौजूद थी और इसमें उनके पूर्व कोच रणधीर सिंह मिन्हास का बड़ा रोल रहा। मिन्हास ने उमरान की क्वालिटी को परखा और उन्हें निखारने में काफी मदद की, जिसके बाद वो जल्द ही अंडर 19 के ट्रायल में सिलेक्ट हो गए और जम्मू कश्मीर के स्टेट टीम से खेलना शुरू कर दिया, जहां कश्मीर से ही भारत के लिए खेल चुके परवेज रसूल और भारत के बाएं हाथ के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने उनकी काफी सहायता की। जम्मू कश्मीर की कोचिंग सिस्टम में जुड़ने के बाद इरफान ने उमरान के साथ काफी वक्त बिताया और उनकी काबिलियत को परखा। घरेलू स्तर पर कई मैच खेलने के बाद उमरान मलिक को 18 जनवरी 2021 को सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में एक T20 मैच में रेलवे के खिलाफ जम्मू कश्मीर की टीम में चुना गया, जहां शानदार गेंदबाजी करते हुए उमरान ने 24 रन देकर 3 विकेट लिए और सबको प्रभावित किया। उनके इस प्रदर्शन के इरफान पठान ने भी काफी प्रशंसा की और तब इनका नाम चर्चा में आने लगा। इसके बाद 22 फरवरी 2021 को उमरान मलिक ने विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला। हालांकि इसके बावजूद उन्हें आईपीएल में किसी टीम ने नहीं खरीदा, लेकिन अभी तो असली कहानी की शुरुआत होनी बाकी थी। साल 2021 में आईपीएल सीजन से पहले उमरान मलिक को सनराइजर्स हैदराबाद ने नेट गेंदबाज के रूप में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन एसआरएच के स्टार तेज गेंदबाज टी नटराजन के कोरोना संक्रमित होने के बाद उमरान को सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल कर लिया और जहां दूर दूर तक उन्हें ज्यादा लोगों ने नहीं देखा था, वो अचानक से आईपीएल का हिस्सा बन गए और पिछले ही सीजन उमरान मलिक को अपना पहला आईपीएल मैच खेलने का मौका मिल गया, जहां अपने पहले ही मैच में उमरान मलिक ने अपनी तेज गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। 3 अक्टूबर 2021 को केकेआर के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू कर रहे उमरान की तेज रफ्तार ने सभी का दिल जीत लिया। हालांकि मुकाबले में उन्हें विकेट तो नहीं मिला, लेकिन क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज भी उनकी स्पीड को देख कर हैरान थे। इस युवा गेंदबाज ने लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के साथ आसपास गेंदबाजी की और बल्लेबाजों में खौफ पैदा कर दिया। केकेआर के खिलाफ उसी मैच में लगातार 4 गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डालकर उमरान ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और आईपीएल में ऐसा करने वाले वो पहले गेंदबाज बने। यहां से उनके करियर ने पीक पकड़ा और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भी एक बड़ा प्रोस्पेक्ट बताया गया। आईपीएल के बाद वर्ल्ड T20 के लिए भी उमरान को UAE में ही रोक लिया गया, जहां वो नेट बॉलर की भूमिका में भारतीय खेमे में शामिल थे और इस खिलाड़ी के टैलेंट और सुनहरे भविष्य को देखते हुए एसआरएच मैनेजमेंट ने भी राशिद खान और डेविड वार्नर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को छोड़कर उमरान मलिक पर दांव लगाया है और आईपीएल 2022 के लिए 4 करोड़ की मोटी रकम देकर अपनी टीम में रिटेन कर लिया, जो यकीनन उमरान मलिक के लिए उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और आज ऐसा लगता है जैसे सनराइजर्स हैदराबाद का वो फैसला सफल होता हुआ दिख रहा है।
उमरान मलिक हर मैच के बाद सभी को प्रभावित करते जा रहे हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की जीत में इस गेंदबाज का अहम योगदान रहा है। इनफैक्ट पंजाब किंग्स के खिलाफ इस युवा तेज गेंदबाज ने इतिहास ही रच दिया है। आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गेंदबाज ने आखिरी ओवर मेडल निकाला हो और 3 विकेट झटके हैं, और ये करिश्मा कर रफ्तार के सौदागर ने फिर से आईपीएल में मंच पर तहलका मचाया हुआ है और हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिलों में अपनी जगह बना ली है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में उमरान मलिक भारतीय टीम से भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।